हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स पे। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम 10 मिनट्स 10 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आने वाले हैं, तो उसी सीरीज का ये पहला लेक्चर है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इसमें हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द इंटरनेशनल डेडलाइन। तो इंटरनेशनल डेडलाइन के संबंध में यहाँ पे कौन सा दिए गए 4 ऑप्शंस में से सही है? तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो होगा कि इट इज़ अ 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। मीन्स यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि इंटरनेशनल डेडलाइन क्या है। तो ये एक इमेजनरी लाइन है जो कि स्ट्रेट नहीं है, ये जिगजैग मोशन में है, ठीक है। और ये 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को शो करता है, जो कहाँ से गुजरता है, जिसका हम 0 डिग्री जो होता है उसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, और ये ग्रीनविच लंदन में जो है वहाँ से होके पास करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू ऑर्बिट मार्स। फर्स्ट एशियन, पहला वह एशियाई देश कौन सा है जो मार्स का चक्कर लगा रहा है, या मार्स पे उसने अपना कोई मिशन भेजा हुआ है, ठीक है। तो ये होगा आपका इंडिया, हमारे देश इंडिया। ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि हम एशिया में ऐसे फर्स्ट कंट्री हैं जो मार्स पे हमने मिशन को भेजा है, वो भी सक्सेसफुली। आपको पता होगा मंगल मिशन, जो मंगलयान भेजा गया था, उसी के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म सेकुलर वाज एडेड इन द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय। तो थर्ड क्वेश्चन है कि जो सेकुलर वर्ड है वो हमारे प्रीएम्बल में कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो था 42nd अमेंडमेंट। तो आपको दोस्तों यहाँ पे बताना है कि 42nd जो अमेंडमेंट था ये कब हुआ था। और आपको मैं बता दूं कि 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के भी नाम से जाना जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 42nd अमेंडमेंट कब हुआ था, और इसको और एक और नाम से जाना जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा भी इसका एक और नाम है, वो नाम भी आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। आपको बताना है कि इसमें से दिए गए जो ऑप्शन हैं, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि मूल अधिकार नहीं है, जो हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस। तो इसमें जो आंसर होगा आपका होगा राइट टू प्रॉपर्टी। आपको मैं बता दूं कि जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो पहले हमारा फंडामेंटल राइट था, बट एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जिसके बाद से ये क्या हुआ, और वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो कब, कौन सा अमेंडमेंट था, वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसका मैं आपको बता दूं कि इसके बाद से जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद से राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो एक लीगल राइट है। क्या ये लीगल राइट है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 300A। तो इसके लिए जो राइट टू प्रॉपर्टी के लिए जो आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या है, 300A। तो आपको बताना है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी के लिए जो अमेंडमेंट हुआ फंडामेंटल राइट में, वो कब हुआ था, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोतीलाल नेहरू एंड सीआर दास वेयर द फाउंडर्स ऑफ द पार्टी नोन एज दी। तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने किस पार्टी का गठन किया? तो इन्होंने जो गठन किया जिस पार्टी का, उस पार्टी का नाम है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का गठन इन लोगों ने 1923 में किया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। और ये जो स्वराज पार्टी, नाम से स्पष्ट है कि ये स्वराज वर्ड से इंस्पायर था, जो स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा कोट किया गया था, हिंद स्वराज। नेक्स्ट देखते हैं। इन विच ऑफ इट्स सेशन डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर पूर्ण स्वराज एज इट्स स्पेसिफिक गोल। यहाँ पे कह रहा है कि किस कांग्रेस के किस सेशन में, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसकी किस सेशन में पूर्ण स्वराज को स्पेसिफिक गोल डिक्लेयर किया गया। तो ये जो सेशन था वो था लाहौर का सेशन, 19 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था, जो 1929 का लाहौर अधिवेशन। तो दोस्तों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये जो सेशन हुआ था लाहौर अधिवेशन जो हुआ था 1929 में,
इसको चेयर किसने किया था, हु वॉज द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कौन था इस सेशन का, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर, प्रधानमंत्री जनधन योजना काफ़ी न्यूज़ में रहा, आपको पता होगा, तो बताना है आपको कि प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य क्या है, इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है। तो इसमें ऑप्शंस में अगर हम देखें तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रमोटिंग फिनेंशियल इंक्लूजन, प्रमोटिंग फिनेंशियल इंक्लूजन थ्रू द कंट्री, इन द कंट्री मीन्स भारत में या देश में अपने वित्तीय निवेशन करना, मीन्स लोगों को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ना, जो आम लोग हैं उनको उनके बैंक खाते, इसके प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत क्या किया गया, सबके बैंक अकाउंट्स खुलवाए गए, तो यही चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो लोगों को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ना ही इसका मकसद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ टैक्सेस बिलोंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें जो दिए गए जो ऑप्शंस हैं, इसमें जो टैक्सेस दिए गए हैं उनमें से कौन कौन से टैक्स ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा एक्साइज ड्यूटी कस्टम ड्यूटी एंड इनकम टैक्स, ये तीनों जो टैक्स हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इंडियाज फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन, यहाँ कह रहा है कि भारत का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन कौन सा था। इंटरप्लेनेटरी मिशन के मतलब ये होता है कि ऐसा मिशन जो अर्थ के अलावा दूसरे, मतलब जो जिस प्लेनेट पे हम रह रहे हैं उसके अलावा किसी दूसरे प्लेनेट के लिए अगर हम कोई मिशन लॉन्च करते हैं उसको बोलते हैं इंटरप्लेनेटरी मिशन, या किसी अर्थ के सैटेलाइट के अलावा किसी और सैटेलाइट, किसी और प्लेनेट के सैटेलाइट के लिए कोई मिशन हम लॉन्च करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटरप्लेनेटरी मिशन। तो इंडिया का जो फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन था वो था क्या, मंगलयान मिशन, जैसा कि आप जानते हैं काफ़ी न्यूज़ में था मंगलयान मिशन। तो आपको बताना है आंसर कमेंट बॉक्स में कि मंगलयान जो मिशन था ये कब लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल रिसोर्स, यहाँ आपको बताना है कि इसमें से जो दिए गए ऑप्शन है इसमें से कौन सा है जो रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है। रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब होता है कि ऐसा रिसोर्स जो कभी ख़त्म ही ना हो, मीन्स हम यूज कर लें उसको जितना चाहे मर्जी उतना यूज कर ले, ख़त्म हो जाए फिर हमें दोबारा वो नेचुरली वो मिल जाएगा हमको, नेचर की तरफ से वो प्रचुर मात्रा में है भी और फिर नेचर उसको दोबारा हमें प्रोवाइड करा देगी अगर ख़त्म होगा तो समय के साथ। तो रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसे होते हैं जिन रिसोर्सेज को हम एक बार यूज कर ले, एक बार एग्जॉस्ट हो जाए वो, तो फिर वो रिसोर्स दोबारा हमें नहीं मिलने वाला है बहुत लंबे समय तक। तो देख लेते हैं इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा आपका ये होगा थोरियम। थोरियम एक ऐसा रिसोर्स है जो कि रिन्यूएबल रिसोर्स है जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, आपने देखा कि हमने यहाँ पे 10 क्वेश्चन डिस्कस किया 10 मिनट में, और ऐसे ही हम क्वेश्चंस की सीरीज आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आप हमें और अपने सुझावों को बता सकते हैं। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को, तथा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव एन ऑसम डे।